हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सोर्स एकेडमी। तो दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट टाइम कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी तक खत्म कर दिया था, तो हम आगे के टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे के सारे वीडियो आपके नोटिफिकेशन में आ जाए। तो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम क्या कह सकते हैं, गॉसन लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि इसे मिस्टर गॉसन ने दिया था। ये लॉ कहता क्या है, ये लॉ कहता है कि जैसे जैसे हमारी स्टॉक में इंक्रीमेंट आता है, जैसे जैसे हमारी खाने की जो चीज है वो बढ़ती है, वैसे वैसे उसके प्रति हमारी जो इच्छा है वो कम होते चले जाती है। जैसे जैसे इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ अ थिंग डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज इन स्टॉक दैट ऑलरेडी हैज, जी जो चीज को हम कंज्यूम कर लेते हैं उसके प्रति हमारी इच्छा धीरे धीरे कम हो जाती है। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने रोटी वाला एग्जांपल लिया था, एक खाएंगे, दो खाएंगे, तीन खाएंगे, एक बार तो ऐसा टाइम आएगा जब हमारी इच्छा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम चीजों को कंज्यूम करते हैं वैसे वैसे हमारी इच्छा उसके प्रति कम होती चले जाती है। आपको इस टेबल से ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा, जैसे जैसे यहाँ पे कॉमोडिटी बढ़ी हुई है वैसे वैसे जो तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होता चला जा रहा है। पहले 8 था, 6 था, 4, 2, फिर 0, फिर माइनस में चला जाता है, यानी वो पूरी तरह से आपकी इच्छा उस चीज को लेके खत्म हो जाती है। अगर उस चीज को हम डायग्राम में देखेंगे तो डायग्राम में कुछ वो इस तरह से दिखेगा। जैसे ये यूनिट ऑफ कॉमोडिटी आपकी बढ़ रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, वैसे वैसे आपकी जो यूटिलिटी है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो आप देखेंगे तो ये डिमांड कर्व की तरह कुछ बन जाता है, जो कि लास्ट में नेगेटिव में भी आता है। तो इसके एक्सप्लेनेशन में भी हम वही सारी चीजें लिखनी है कि एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई क्या होता है, एमयू कर्व क्या है और किस तरह से वे गोज ऑन डिमिनिशिंग है। तो दोस्तों, ये पूरे मीनिंग को लिखने के बाद आप ट्राई करना है कि जो भी आपके इम्पोर्टेंट लाइन है उसे अंडरलाइन कर लेना। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम कि कोई भी लॉ हो उसका अजम्पशन और एक्सेप्शन तो जरूर होता है। अजम्पशन मीन्स क्या होता है, अजम्पशन मीन्स कुछ चीजें जो होनी चाहिए लॉ के लिए, और एक्सेप्शन मीन्स होता है कुछ चीजें जो नहीं होनी चाहिए लॉ के लिए। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज होना चाहिए। इसमें पहला अजम्पशन है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मीन्स व्हाट, जब कोई भी प्रोडक्ट तुम कंज्यूम करते हो, प्रोडक्ट का शेप, साइज, टेस्ट, क्वालिटी सारी चीजें सेम होनी चाहिए। अगर हर प्रोडक्ट के साथ शेप और टेस्ट बदलता रहेगा तो आपका ये लॉ काम नहीं करेगा। हो सकता है अगला जो तुम प्रोडक्ट ले रहे हो तुम्हें ज्यादा अच्छा लगे तो तुम उसे ज्यादा खाओ, कोई चीज आपको अच्छी नहीं लग रही, अच्छी क्वालिटी नहीं है तो आप उसे ना खाओ। तो इसके लिए लॉ के लिए सारी चीजें सेम होनी जरूरी है। दूसरा है सिंगल यूज। सिंगल यूज मीन्स व्हाट, कोई भी चीज हो उसे एक ही चीज के लिए यूज करना है। जैसे मैं कपड़े का एग्जांपल लूंगा, अगर कोई कपड़ा आप खरीदते हो पहनने के लिए तो कितना ही पहन लोगे, कितना खरीद लोगे, एक बार तो आप बोर हो जाओगे। मगर उसे आप अगर दुकान में सजाने के लिए ले रहे हो तो आप जितना भी लोगे आपके लिए कम लगेगा। तो इसके लिए कोई भी चीज एक ही काम के लिए खरीदो, तब ये लॉ काम करने वाला है। थर्ड पॉइंट है आपका कार्डिनल मेजरमेंट, मतलब कोई भी चीज को आप मेजर कर सको, अपनी इच्छा को मेजर कर सको। वैसे तो पॉसिबल नहीं है, मगर इस लॉ को लिखने के लिए, आप पूरा करने के लिए कार्डिनल मेजरमेंट जरूरी है, यानी नंबर में मेजरमेंट होना जरूरी है। फोर्थ है आपका रैशनैलिटी, यानी कोई भी कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, उसका बिहेवियर नॉर्मल होना चाहिए, या मतलब वो कोई भी चीज को बहुत ज्यादा ना खाने वाला हो या फिर कोई चीज को बहुत कम ना खाने वाला हो, वो एक रैशनल या फिर नॉर्मल आदमी होना चाहिए। फिफ्थ आपका कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मीन्स कोई भी प्रोडक्ट जो हो कंटिन्यू चलता रहे, ये नहीं कि टाइम ले लेके खाओ, आप आज एक खा रहे हो, कल एक खा रहे हो, परसों दूसरा खा रहे हो, तो इसको खाने से क्या होगा कि आपकी जो इच्छा है वो कभी पूरी होगी नहीं। अगर आप तुरंत लगातार कोई चीज को खाओगे तो आपकी इच्छा, वो ये लॉ फिर अच्छी तरह से काम करने वाला है। रीजनेबिलिटी। रीजनेबिलिटी का मतलब क्या होता है, नाइदर टू बिग नॉट टू स्मॉल, न तो कोई चीज ज्यादा बड़ी होनी चाहिए न तो कोई छोटी होनी चाहिए, वो एक स्टैंडर्ड साइज में होनी चाहिए। जैसे कप ऑफ टी, ग्लास ऑफ वाटर, मैं आपको बोलूं आप 1 लीटर चाय पी लो तो आपकी एक बार में तो पूरी इच्छा पूरी हो जाएगी, तो ये जरूरी नहीं है। इसके लिए कोई भी चीज एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड साइज में होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी, यानी आपका जो इनकम है, जो टेस्ट है, जो हैबिट है, जो लाइकिंग है, वो सारी चीजें हमेशा सेम होनी चाहिए। आपका 8th पॉइंट है कंडीशन ऑफ डिविजिबिलिटी, मतलब जो चीज भी आप खा रहे हो वो सारी चीजें डिविजिबल होनी चाहिए, कटनी चाहिए, टूटनी चाहिए। अगर अक्खे की बात आ जाएगी, अक्खा खाने कोई बोलेगा तो आप नहीं खा सकते। तो कोई भी चीज को क्विक कंजम्पशन के लिए, जल्दी से खाने के लिए आप अच्छी तरह से उसे वो टूटना चाहिए आपका। उसके बाद का जो है वो है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या होता है, कुछ चीजें जो नहीं होनी चाहिए, यानी इसमें 1st पॉइंट है आपका हॉबी। किसी भी चीज को लेकर आपकी हॉबी नहीं होनी चाहिए, अगर वो कोई चीज को लेकर आपकी हॉबी रहेगी
तो आप उस चीज को बार बार करोगे आपको और खुशी मिलेगी। जब कोई चीज बार बार करोगे और खुशी मिलेगी तो ये लॉ के खिलाफ जा रहा है, यानी ये हॉबी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, माइजर नहीं होना चाहिए, यानी सामने वाला कंजूस नहीं होना चाहिए। अगर वो कंजूस रहेगा, जैसे जैसे पैसा उसके पास आएगा, पैसे के लिए उसकी चाहत और बढ़ती चली जाएगी, और पैसे के लिए उसकी चाहत और अगर बढ़ती चली जाएगी, यानी स्टॉक में इंक्रीमेंट हो रहा है मगर उसकी यूटिलिटी में डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है, यानी ये लॉ के खिलाफ जा रहा है, तो माइजर सामने वाला नहीं होना चाहिए। तीसरा, ड्रंकर, कोई बेवड़े होंगे, अगर बेवड़े लोग को दारू ज्यादा पसंद आता है, अगर उन्हें जब तक वो गिर ना जाए तब तक पियेंगे, यानी जैसे जैसे स्टॉक बढ़ रहा है वैसे वैसे उनकी दारू के लिए चाहत, वाइन के लिए चाहत बढ़ती चली जाती है, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। फोर्थ है आपका म्यूजिक, कोई अगर म्यूजिक सुनने किसी को बहुत ज्यादा पसंद है, अगर वो बार बार किसी म्यूजिक को सुनेगा उसे और पसंद आने लगेगा, यानी जैसे जैसे म्यूजिक के स्टॉक में इंक्रीमेंट हो रहा है वैसे वैसे इसकी यूटिलिटी और बढ़ती चली जा रही है, बार बार यूटिलिटी बढ़ने के कारण ये लॉ काम नहीं करेगा। जैसे हमने पढ़ा है कि स्टॉक बढ़ने के बाद आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होनी चाहिए, मगर इन सारी चीजों में देखो यूटिलिटी बढ़ती चली जा रही है, इसलिए ये एक्सेप्शन है, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। आपका अगला पॉइंट है रीडिंग, जिसे रीडिंग, किसी को रीडिंग पसंद है, अगर रीडिंग पसंद है, फिफ्थ पॉइंट आपका क्या है, रीडिंग, अगर रीडिंग पसंद है, कोई रीडिंग करते चला जा रहा है, अगर रीडिंग बुक अच्छे अच्छे बुक पढ़ने से पसंद है तो उसकी यूटिलिटी कभी खत्म नहीं होगी। जैसे जैसे स्टॉक में इंक्रीमेंट आएगा, बुक के स्टॉक में इंक्रीमेंट आएगा, वैसे वैसे उसकी यूटिलिटी बढ़ती चले जाएगी। सिक्स है मनी, पैसे, पैसे किसको नहीं पसंद, पैसे जितने आएंगे उतने ज्यादा चाहिए, तो क्या होगा, ये भी एक चीज क्या है, यूटिलिटी का एक्सेप्शन है, ये हम कह सकते हैं कि मेन एक्सेप्शन है, क्योंकि जैसे जैसे यूटिलिटी, जैसे जैसे स्टॉक बढ़ेगा मनी का, वैसे वैसे उसकी चाहत और बढ़ती चली जाएगी। अगला आपका टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ दिस लॉ, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना नहीं है। आपका उसके बाद क्या है, इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, वो भी इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सारी चीजों को आपको कवर उतने अच्छे से नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम पूछता है और चीजों में टाइम वेस्ट करने का टाइम अब बचानी है। तो हम करेंगे ये कि जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बस उसको कवर करेंगे। अब सीधा जाएंगे हम अपने अगले चैप्टर पे, अगले चैप्टर का नाम है डिमांड एनालिसिस। तो पहले हम देखेंगे डिमांड होता है क्या, आपके थर्ड चैप्टर है, डिमांड होता है क्या। डिमांड मतलब कोई भी चीज को अगर आप डिमांड करते हो, आपके अंदर तीन चीज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले तो उस चीज को लेकर आपके अंदर चाहत होनी चाहिए, बिना चाहत का डिमांड कभी पूरा नहीं होता। परचेसिंग पावर एबिलिटी, यानी आपके अंदर उसको खरीद पाने की शक्ति होनी चाहिए, आपके पैसे होने चाहिए उसको खरीदने के लिए। तीसरा है विलिंगनेस, आपके मन में विलिंगनेस होना चाहिए, मन आपका करना चाहिए लेने के लिए। हो सकता है कोई चीज आपको पसंद आ गई मगर आपके पैसे नहीं उसे लेने के लिए, हो सकता है आपके पैसे भी है मगर आपका मन नहीं लेने के लिए। एग्जाम्पल ली तो कोई बड़ा आदमी रहेगा, वो किसी भी चीज की चार्ज भी कर सकता है, उसके बाद पैसे भी आ सकते हैं मगर उसे खरीदने का मन नहीं होगा तो उसे नहीं खरीदेगा। तो ये तीनों चीज अगर मिलेंगी तो हम उसे डिमांड कह सकते हैं। अगर आप डिमांड का मीनिंग लिखते हो ना तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी जरूरी है। पहला आपका ये हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, डिमांड होता क्या है। जब हम कोई भी प्रोडक्ट, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है इसमें, एक पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदेंगे और एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर खरीदेंगे, किसी एक प्राइस पे खरीदे या तो किसी एक टाइम के अंदर खरीदे, तो हम कह सकते हैं कि हमारा डिमांड है वो। अगर वो किसी भी पैसे पे, अगर कितना भी टाइम लेके कोई चीज ले रहे हो आप, तो उसे डिमांड नहीं कहा जाएगा। तो पर्टिकुलर टाइम और स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ये दोनों वर्ड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मीनिंग का, मीनिंग लिख रहे हो अगर आप डिमांड का, तो ये सारी चीजें मेंशन कर देना। आपका जो टॉपिक है वो है इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड मीन्स व्हाट, जब कोई एक कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट को खरीदता है तो उसे इंडिविजुअल डिमांड कहा जाता है, जब पूरा का पूरा मार्केट उस प्रोडक्ट को खरीदता है तो उसे बोला जाता है मार्केट डिमांड। जैसे कि हमें पता है कि डिमांड में क्या होता है, डिमांड में जनरली जैसे जैसे प्राइस बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे उस चीज की डिमांड कम होती चली जाएगी। प्राइस ऑफ शुगर है, 25 रुपए किलो था, 10 किलो लाया, 26 हुआ, 9 किलो लाया, 27 हुआ, 8 लाया, तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा डिमांड कम हो रहा है। सेम उसी तरह से मार्केट डिमांड में जब आओगे तो उसमें कंज्यूमर है, कंज्यूमर भी कंज्यूमर सी, वही चीज हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, सबका डिमांड घटता चला जा रहा है, डिमांड घटता चला जाएगा। यहाँ पे तो टोटल लिखा है, सिर्फ टोटल मार्केट डिमांड जितना वो लोग ने खरीदा है, तो इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, एकदम इजी है। सिर्फ आपको इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड लिखना है, बहुत ज्यादा लोग मिलके खरीदते हैं और कुछ लोग अकेले खरीदते हैं, जो अकेले खरीदा तो इंडिविजुअल डिमांड, पूरा मार्केट मिलकर कोई चीज को डिमांड कर रहे हैं, कंज्यूमर है कंज्यूमर भी, ये वाला आपको डायग्राम बना देना है और उसे बोल देना है मार्केट डिमांड। तो आगे जाएंगे, इसमें जो है आपका फैक्टर डिटरमाइनिंग डिमांड, यानी डिटरमिनेशन ऑफ डिमांड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या ऐसी चीज है जो डिमांड को बताती है, कौन कौन सी ऐसी चीज है जो डिमांड को अफेक्ट करती है, तो एक एक करके सारे पॉइंट देखेंगे। पहला तो है प्राइस, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, जैसे जैसे प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगा, ये तो हमें पता है। दूसरा आपका इनकम, अगर आपकी इनकम बहुत ज्यादा होगी तो
डिमांड के अगर इनकम आपके बहुत ज्यादा है तो प्राइस बढ़े या घटे फर्क नहीं पड़ता, अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा कर लोगे। तीसरा है पॉपुलेशन, अगर सडनली पॉपुलेशन बढ़ जाता है तो डिमांड बढ़ जाएगा भले प्राइस कुछ भी होने दो। तो अगर समझो आपके घर में 4 जन है और सडनली 3 मेहमान आ जाते हैं तो 7 जन हो जाएंगे, 7 जन हो जाएंगे तो आपके घर में राशन ज्यादा लाना ही होगा, तो भले ही प्राइस बढ़े या घटे मगर आपको डिमांड तो बढ़ाना होगा, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से भी डिमांड बढ़ता है, यानी पॉपुलेशन डिमांड को अफेक्ट करता है। टेस्ट हैबिट एंड फैशन, टेस्ट और हैबिट, आपको किसी भी चीज को लेके टेस्ट आपको पसंद है, आपको उसके लिए हैबिट है, या फिर फैशन में कोई चेंज आता है तो भी आप उसके हिसाब से चलने लगोगे, यानी आपका डिमांड बढ़ जाएगा। पांचवा है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, किसी और प्रोडक्ट के प्राइस के बढ़ने या घटने से आपके प्रोडक्ट में डिफरेंस आता है, जैसे चाय और कॉफी, जैसे आप अगर कॉफी पी रहे हो और चाय है सामने, चाय उसका सब्स्टिट्यूट है, आप चाय पी सकते हो या फिर कॉफी पी सकते हो, ये नहीं तो वो, दो में से एक तो लोगे, अगर कॉफी का प्राइस बढ़ जाता है तो आप क्या करोगे चाय पे चले जाओगे, जबकि चाय की डिमांड तो आपने बढ़ा दी मगर चाय का प्राइस का कम हुआ था नहीं, कॉफी का प्राइस बढ़ गया इसके वजह चाय की डिमांड बढ़ गई, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट मतलब ये नहीं तो वो, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जैसे कि कार लिया तो पेट्रोल लेना ही पड़ेगा। आपका 6 पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, किस तरह का नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूट, नेशनल इनकम और वेल्थ किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आपके कंट्री में वो भी डिपेंड करता है, किसके पास कितना पैसा है वो हिसाब से डिमांड भी चेंज होता है। एक्सपेक्टेशन अबाउट ए फ्यूचर प्राइस, जैसे कि आपको लगी कि फ्यूचर में कोई चीज का प्राइस बढ़ जाएगा तो आज ही आप उस चीज को ज्यादा से ज्यादा खरीदने की कोशिश करोगे, तो एक्सपेक्टेशन यानी फ्यूचर में क्या होगा उस चीज को अभी से तय कर लेना। आठवां एडवर्टाइजिंग, कोई चीज की एडवर्टाइजिंग बहुत ज्यादा बार बार आपके सामने है, बहुत अच्छी एडवर्टाइजिंग है, तो आप क्या करोगे उस चीज को ज्यादा से ज्यादा खरीदने चालू कर दोगे। आपका जो टाइप ऑफ डिमांड है वो डायरेक्ट डिमांड, डायरेक्ट डिमांड कोई भी चीज को आप नॉर्मली डिमांड करते हो तो उसे डायरेक्ट डिमांड कहा जाता है। इनडायरेक्ट डिमांड वो डिमांड होता है जब कोई और चीज को प्रोड्यूस करने के लिए आज आप डिमांड कर रहे हो, जैसे कि कैपिटल प्रोडक्ट, आपने मशीन लाया तो उसे इनडायरेक्ट डिमांड कहा जाएगा, क्योंकि मशीन से आप वो प्रोडक्ट निकालोगे जो मार्केट में डिमांड जिसकी अभी है, जैसे कि आपने मशीन लाया जैसे कोई पाउडर बनाना है, वो पाउडर की डिमांड मार्केट में है, तो आप डायरेक्टली पाउडर तो बना नहीं सकते, पहले मशीन की डिमांड करोगे फिर पाउडर, इसके लिए उसकी क्या कहा जाता है इनडायरेक्ट डिमांड। जॉइंट डिमांड क्या होता है, जब कोई भी दो प्रोडक्ट साथ में अगर ऑर्डर किए जाए या फिर कोई भी दो प्रोडक्ट के साथ में डिमांड की जाए तो उसे जॉइंट डिमांड कहा जाता है। जैसे आपको चाय मैंने मांगा, अगर चाय मैं मांगूंगा तो आपको शक्कर की डिमांड करनी पड़ेगी, दूध की डिमांड करनी पड़ेगी, पानी की डिमांड करनी पड़ेगी, तब जाके चाय बनेगा, तो इसके लिए कोई भी एक डिमांड के लिए बहुत सारे डिमांड और लगे तो उसे जॉइंट डिमांड कहा जाता है। कंपोजिट डिमांड क्या होता है, कंपोजिट डिमांड जैसे कि फॉर एग्जांपल डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि आपको पंखे की जरूरत है, लाइट की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत है, इन सारे डिमांड को पूरी करने के लिए पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड करनी पड़ेगी, इसके लिए कोई एक ऐसा चीज जो सब चीज को डिमांड को पूरी करे उसे कंपोजिट डिमांड कहा जाता है। कॉम्पिटेटिव डिमांड इज व्हेन डिमांड फॉर कमोडिटी कम्पीट विद सब्स्टिट्यूट, टी और कॉफी, कॉम्पिटेटिव डिमांड का क्या एग्जाम्पल टी और कॉफी। अगला है आपका लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इसको जरा अच्छी तरह से देखेंगे कि इसमें आपको क्या क्या चीज मेंशन करनी है, काफी इजी है और इंपॉर्टेंट भी है। मैटर क्या करेगा कि आपको लिखना कैसे है, पहला लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था और अपने कौन से बुक में दिया था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक में दिया था। स्टेटमेंट क्या बोलता है, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, जैसे कि मैंने बताया कि आपका इनकम कांस्टेंट होना चाहिए, पॉपुलेशन कांस्टेंट होना चाहिए, टेस्ट और हैबिट कांस्टेंट होना चाहिए यानी बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें होने की वजह से डिमांड चेंज हो जाता है, तो अदर थिंग मतलब यही सब चीज है, इनकम है, पॉपुलेशन है, टेस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, ये सारी चीजें आपकी सेम होनी चाहिए, सारी चीजें बदलनी नहीं चाहिए। आगे देखेंगे कॉन्स्टेंट, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी स्मॉलर द क्वांटिटी डिमांडेड, जितना ज्यादा प्राइस होगा कमोडिटी का उतना कम, जितना भी ज्यादा प्राइस होगा उतना कम हम डिमांड करने लगेंगे, और लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी जितना प्राइस कम होगा उतना ज्यादा हम डिमांड करने शुरू कर देंगे। तो आपने पहले इंट्रोडक्शन लिख दिया, उसके बाद लॉ स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिख दिया, उसके बाद तुरंत आपको उस लॉ को एक्सप्लेन करना है, थोड़ा सा 2-4 5-6 लाइन में एक्सप्लेन करना है, उसके बाद सीधा इस डायग्राम पे आना है, लाइक ये जो टेबल है टेबल पे आना है, टेबल आपको पता है किस तरह से वर्क करता है, फिर इस टेबल को एक्सप्लेन करना है, टेबल को एक्सप्लेन करने के बाद ग्राफिकल डायग्राम पे आना है, ये ग्राफिकल जो है वो इस चीज को आप काफी अच्छी तरह से बनाना होगा। आपको पता है कैसे बनता है, जिस तरह से ये बढ़ रहा है वैसे वो कम होते आ रहा है, अगर ये बढ़ रहा है जैसे कि 10 पे जैसे कि 50 पे 1 था, जैसे कि आप इसके अंदर देख रहे हो 50 पे 1 है तो ये 50 पे 1 आ गया, उसी तरह से ये 40 पे 2 था, तो आप ये पूरा डॉट डालोगे, पूरे डॉट को कनेक्ट करोगे, आपका क्या बन जाएगा डिमांड कर्व बन जाएगा, उसके बाद आपको सिर्फ उस ग्राफिकल डायग्राम को एक्सप्लेन करना है और आपका लॉ
पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों 8 मार्क का आएगा, जरा इसको देखना। 8 मार्क में आपको लॉ पूछेगा और अजम्पशन या एक्सेप्शन पूछेगा, तो आप उसको आसानी से लिख सकते हो। अगर आपको सिंपल आंसर राइटिंग चाहिए कि मैं लिख के दूं कैसे लिखना है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आगे देखेंगे अजम्पशन क्या है, इस लॉ के अजम्पशन क्या है। लॉ के अजम्पशन में पहला है साइज ऑफ कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, कि साइज कैसा होना चाहिए, साइज ज्यादा होना चाहिए कि साइज कम होना चाहिए किसी भी पॉपुलेशन का, ये डिपेंड करता है। जैसे कि अजम्पशन मतलब कुछ चीज होनी चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, साइज और वो सारी चीजें, पॉपुलेशन और साइज सब सेम होना चाहिए, कभी भी वो बदलना नहीं चाहिए। सेकंड है इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन सेम, किसी भी कंज्यूमर का जो इनकम है वो हमेशा सेम होना चाहिए। तो दोस्तों ये पॉसिबल तो नहीं है, मगर इस लॉ को पूरा करने के लिए ये होना जरूरी है। तीसरा है आपका टेस्ट इन हैबिट, किसी का टेस्ट और हैबिट कभी बदलना नहीं चाहिए, ये भी चीज पॉसिबल तो नहीं है, मगर इस लॉ को पूरा करने के लिए होना जरूरी है। चौथा है आपका चेंज इन एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर में क्या प्राइस चेंज होगा इस चीज का एक्सपेक्टेशन आप अभी मत करो, फ्यूचर में जो होगा होने दो, अभी के लिए अभी का देखो, ये होना चाहिए लॉ के लिए। यानी एक्सेप्शन मीन्स क्या, कुछ चीजें होनी चाहिए, तो हम देख रहे हैं कि क्या क्या चीज होनी चाहिए। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स वो भी हमेशा सेम होना चाहिए, जैसे कि मैंने चाय और कॉफी बोला, तो किसी भी चीज का प्राइस ना बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए। आपका 6 पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए, जैसे कि टैक्स नहीं बढ़ना चाहिए और जो भी आपका टैक्स वगैरह है वो सब चीज, डिस्पोजेबल इनकम है, सारी चीजें बढ़नी या घटनी नहीं चाहिए। ये सारी चीजें पॉसिबल तो नहीं है, मगर लॉ को पूरा करने के लिए होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया पूरा का पूरा लॉ किस पे, अजम्पशन पे डिपेंड है, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। एक्सेप्शन देखेंगे, कुछ चीजें जो नहीं होनी चाहिए उसमें, जैसे कि डिमांड का कर्व देखो, ये उल्टा बना हुआ है, जनरली ऐसा होता है। अगर ये ऐसा बना हुआ है यानी कुछ चीजें ये एक्सेप्शन है, ये चीज सही नहीं है, इस लॉ के लिए सही नहीं है। तो कुछ चीजें जो नहीं होनी चाहिए, पहला है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स क्या है, सर रॉबर्ट गिफन करके एक बंदा था जिसने इस लॉ को लाया, जिसने इस पर्टिकुलर पॉइंट को लाया है, सर रॉबर्ट गिफन इसका नाम था। इसने क्या किया, इंग्लैंड में एक एक्सपेरिमेंट किया, एक इस मार्केट के बाहर खड़े हो गया जहां पे मीट और ब्रेड दो चीज बिकती थी, लोग जाते थे, लोग उसे रोज खरीद के लाते थे। एक दिन क्या होता है मार्केट में कि ब्रेड का भाव जो है वो कम हो जाता है और मीट का भाव सेम रहता है, तो लोगों ने क्या किया, ब्रेड का भाव कम होने की वजह से उसका डिमांड बढ़ाया नहीं, ब्रेड के बचे पैसे से वो लोग ने मीट खरीदने लगे। इसका मतलब उसने क्या बोला कि जो भी चीज सस्ती होती है उसका डिमांड बढ़ने के बदले हम क्या करते हैं, उसके बचे पैसे से हम कोई महंगी चीज खरीदने लग जाते हैं। तो क्या बोलते हैं, ये लॉ के खिलाफ है। हमने जनरली क्या देखा है कि लॉ जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे जैसे प्राइस घटेगा हमारा डिमांड बढ़ता है, मगर हम ब्रेड का डिमांड तो हमने बढ़ाया नहीं, हमने मीट खरीदना चालू कर दिया। दूसरा आपका पॉइंट है प्रेस्टीज गुड्स। प्रेस्टीज गुड्स क्या होते हैं, कोई ऐसी चीज जो तुम्हारे प्रेस्टीज को दिखाए, जो तुम्हारे सोसाइटी में बहुत हाई अपील को दिखाए, तो उसकी क्या बोलते हैं, स्नॉब अपील। और बिग कार, जैसे कोई बड़ी बड़ी कार ले, हमारी छोटी कार से भी हमारे काम हो जाएंगे, मगर लोगों को प्रेस्टीज दिखाने के लिए महंगी चीजें खरीदने की आदत होती है, इसके वजह से ये लॉ के खिलाफ जा रहे हैं, जो चीज महंगी है उसे हम खरीद रहे हैं। तीसरा पॉइंट है प्राइस इल्यूजन, हमें लगता है कि कोई चीज महंगी होगी तो अच्छी होगी, हम क्या करते हैं महंगी चीजों को ज्यादा खरीदने लगते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, यानी कोई चीज कैसा, बड़े लोग जैसा दिखना, हम क्या करते हैं कि हम ट्राई करते हैं कि जो बड़े बड़े लोग जो करते हैं हम वही करेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन खरीद लिया ये वो करते हैं, तो ऐसी बड़ी बड़ी जो चीजें होती है हम उसे करना चालू कर देते हैं लोगों का देख के, बल्कि उस चीज का प्राइस ज्यादा होता है फिर भी हम उसे यूज करने चालू कर देते हैं। फिफ्थ पॉइंट है आपका इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब जो चीज पता नहीं होता, किसी प्राइस के बारे में हमको पता नहीं है, अगर प्राइस के बारे में हमको पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, गलती से हम उसे ज्यादा दे देंगे। स्पेकुलेशन, जैसे हमें लगेगा कि फ्यूचर में कोई चीज महंगा होने वाला है, तो फ्यूचर में महंगा होने वाला है, अभी महंगा हुआ है फ्यूचर में और महंगा होगा, तो फ्यूचर में महंगा होगा और अभी महंगा हुआ है फिर हम उसे ज्यादा खरीद लेते हैं, हमको लगता है फ्यूचर में और महंगा हो जाएगा, इसके लिए कोई चीज महंगी होने के बाद भी हम खरीद रहे हैं, यानी ये तो डिमांड के खिलाफ जा रहा है, लॉ ऑफ डिमांड के खिलाफ जा रहा है, इसके लिए स्पेकुलेशन नहीं होना चाहिए। आपका इसके बाद का पॉइंट है हैबिचुअल गुड्स। हैबिचुअल गुड्स जैसे आपको पता होगा कोई भी चीज होता है, जैसे कि ड्रंकर होते हैं, स्मोकर होते हैं, कोई चीज ऐसी होती है जो हैबिचुएट होती है, हम बार बार उसे करते हैं, जबकि उसका प्राइस कितना भी बढ़ने दो फिर भी हम इस चीज को करने वाले हैं। आपका 3.7 है वेरिएशन एंड चेंज, तो हम जरा से क्विकली देखेंगे वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन मतलब कोई चीज में एक्सटेंशन आना या फिर कॉन्ट्रेक्शन आना, एक्सटेंशन यानी बढ़ना, कॉन्ट्रेक्शन यानी कम होना। तो इसमें हमने क्या देखा, जब तुम्हारा प्राइस पी था तो तुम्हारा क्यू था, ये तो नॉर्मल हमने देख लिया डिमांड का जो दिख रहा है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे प्राइस बढ़ा है क्या हुआ, क्वांटिटी भी बढ़ा, और प्राइस अगर कम हुआ है तो क्वांटिटी क्या हुआ, क्वांटिटी भी कम हो गया, क्वांटिटी कम हुआ प्राइस बढ़ा है। जो P1 से P जाएगा तो कहां जाएगा, P1 से P चला गया, Q से Q2 चला गया, तो यहां पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है डिमांड घट रहा है, प्राइस घट रहा है डिमांड बढ़ रहा है, तो ये सारी हमने चीजें देख ली। तो
ये इसमें दोनों चीजें इसमें चेंजेस हैं, जैसे हम सिर्फ डेफिनेशन इसका देख लेंगे थोड़ा सा। फॉल इन द प्राइस व्हेन मोर कमोडिटीज बॉट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। प्राइस घटता है ज्यादा चीज लाएंगे तो इसे एक्सटेंशन बोलते हैं, प्राइस बढ़ता है लेस कमोडिटी बॉट कॉन्ट्रेक्शन इज डिमांड। जो कमोडिटी कम लाएंगे प्राइस के बढ़ने की वजह से तो उसे कॉन्ट्रेक्शन कहा जाता है, प्राइस घटने की वजह क्वांटिटी ज्यादा लाएंगे तो उसे एक्सटेंशन कहा जाता है। और उसी तरह से अगर हम चेंज इन डिमांड बोलेंगे तो चेंज में क्या आता है, इंक्रीज आता है डिक्रीज आता है। जैसे कि सेम प्राइस के ऊपर अगर क्वांटिटी बढ़ रहा है और क्वांटिटी कम हो रहा है, अगर सेम प्राइस के ऊपर क्वांटिटी तुम्हारा बढ़ रहा है और क्वांटिटी कम हो रहा है तो उसे क्या कहा जाता है, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। जब क्वांटिटी बढ़ा तो इंक्रीज इन डिमांड, क्वांटिटी घटा तो डिक्रीज इन डिमांड। अब प्राइस नहीं चेंज हो रहा है फिर भी तुम्हारा क्वांटिटी चेंज हो रहा है, ऐसे हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं, इनकम पॉपुलेशन ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, तो वो सारे केसेस को इसमें लिखने हैं और बताना है कि इंक्रीज क्यों हो रहा है डिक्रीज क्यों हो रहा है। तो दोनों डायग्राम को ध्यान से देखना, इसमें क्वांटिटी चेंज हो रहा है प्राइस भी चेंज हो रहा है, इसमें क्वांटिटी चेंज हो रहा है मगर प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है। दोनों को एकदम प्रॉपर डिफरेंस करके साथ साथ में अगर लिख के एक बार पढ़ लोगे तो काफी चीजें इजी हो जाएगी। आगे दोस्तों, तो आगे का जो आपका चैप्टर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसे हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप ट्राई करना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे के आपके सारे के सारे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही, गुड लक, बाय बाय।